कहाँ से आई हैं, दिल्ली से। बाबा कहाँ का दिखाया और क्या समस्या आपकी? बाबा जी हमेशा बीमार रहती हूँ। जी नहीं, गुरु जी बोला करो। गुरु जी बाबा जी कहाँ से दिख रहे हैं आपको? ये तो कोई दे गया, हम तो ये वाले गुरु जी हैं। हमेशा बीमार रहती हूँ और बेहोश हो जाती हूँ। कभी कभी तो पानी नहीं उतरता गले से। गले से पानी उतरता नहीं और जाना एक लोटा पानी चेक करूं, आवाज भी नहीं आती थी। अच्छा अभी तो निकल रही है जी। कहाँ से आई हो? दिल्ली से। सही है, आपको मैं धन्यवाद देता हूं कि केस और शक्ति जब सही होती है तो हमारा बात करने का तरीका अलग होता है। आप नोट करिएगा, इससे आपको अनुभव मिलेगा कौन असली है कौन नकली है। ये केस में दम है, इस केस में क्या है, यदि इस केस को हमारा आध घंटा भी लगता है, एक घंटा भी लगता है, दिन भी लगता है, तो लगने दें, एक यज्ञ हो जाएगा। सौ से हजारों से ज्यादा जो इसका है, क्योंकि एक तो कन्या एक लड़की और एक वास्तविक केस है। वास्तविक बेटा आपका मोबाइल नंबर क्या है? हमारा 90 81 38 0 322। दीदी आपके पिताजी क्या करते हैं? पिताजी फर्नीचर का काम करते हैं। आपको यहाँ के बारे में कहाँ से पता लगा बहन? गुरुजी मैं गांव से आई, मेरे मौसा जी यहाँ लेके आए। मौसा जी यहाँ आए हैं जी। कौन है भैया इनके मौसा जी? कैमरे से इनको दिखाया जाए। अच्छा ये मौसा है, और कोई आया साथ में? भैया मौसा जी ये बताओ, इसने आपको अपनी समस्या तो नहीं बताई थी? वहीं से बोलिए, तेजी से बोलिए। क्या आपको, आपने इसको कोई समस्या तो नहीं बताई थी? इसने आपको क्या बताया था आपने इनको? थोड़ी सी परेशानी है तो वहीं दिखा लेते हैं, यहां क्या परेशानी थोड़ी सी है तो है। अरे एक ही खड़े, एक ही जगह खड़ा रख, कैमरा तो वहां पीछे कर रहा रख है, तो वहीं खड़े रहो। अच्छा तो आपने डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाया? ये बता रही बेहोश हो जाती है, आवाज चली जाती है, डॉक्टर को नहीं दिखाया आपने? आपकी साली की बिटिया है, मतलब सगी होती तो डॉक्टर के यहां ले जाते हैं। चलिए आगे देखिए, सुनिए, देखिए बहन पढ़ी लिखी है, क्या लिखा है? मूर्छित। कहां लिखा है? मूर्छित हो जाती है, जवान बंद हो जाता है, श्वास ठीक रहेगा, 16 सितंबर 2022 के बाद जीवन पर्यंत तुम्हारे ऊपर कोई भी भूत बाधा नहीं आएगी और आज से ही तुम्हारी बाधा खत्म। ठीक है ना? और साथ ही आपके मौसा जी जो साथ आए हैं, इनका नाम राधेश श्याम है जी। आपकी मौसी के नाम राधिका है जी। आपके सगे जो भाई आए हैं, मौसी के लड़के आए हैं, नितिन अर्जुन साथ आया है जी। बोलो हाँ या ना। आए। अब सुनो, माइक नीचे रखो, रखो आंखें बंद कर, तत्काल बेहोश हट। ऐसी हो जाती है ना, ऐसे हो जाती है ना, चल होश में उठ के बैठ। आज के बाद इस शक्ति का कोई दोष नहीं, इस शक्ति कभी आएगी नहीं। ये लड़की आपके सामने बात कर रही थी ना, अभी आंखें बंद कर बेटा, आवाज लॉक। बेटा क्या नाम है? ये बोल जाए और बुलवा के दिखाओ, आप लोग बुलवाओ, आप लोग कुछ, आप लोग पूछो कुछ इस बेटी से,
अरे आप लोग पूछो कुछ। अरे कर रहे, यहाँ पास में आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तुम बेटा बुलवा दो तो बड़ा आनंद आ जाए। दरवाजी तुम बुलवाओ, आप तो बहुत चोरों को बुलवाओ, बुलवाओ लो, रहने दो, शांत रहो, पद की गरिमा का ध्यान दीजिए। बुलवाओ बेटा, लो माइक पकड़ो। हाँ बुलवा बुलवा। क्या नाम है बढ़िया? कैसे पूछो, हिला के पूछो। बढ़िया क्या नाम है? नहीं बोल, है? नहीं बोल। खाए? चल बट पीछे चल यार, टमाटर से चल बोल क्या नाम है उसकी जबान खोल। बोले पंडो का सरकार एक ही। हाँ क्या नाम है बेटा? रोशनी। माइक उठाइए, उठाइए माइक, ये रखा सामने। क्या नाम है आपका? रोशनी। पापा का नाम? रामाश्रय। लॉक क्या नाम है? रोशनी। लॉक क्या नाम है? रोशनी। देख रहे हैं, ये नहीं कि लॉक 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 हो जाए। आंखें बंद कर बेटा। हाँ बेटा क्या नाम है? ये पंडो का सरकार है भाई, नहीं तो कौन आए पंडो का धाम में? अरे पैसा निकलवाना किसी के जेब में से और 15 दिन धक्का खवाना, ये तो पंडोकर सरकार से सीखो हम कैसे लूटते हैं। तुम भी एक मशीन लगा लो यार, जिनके पेट पर आ रहा है लगा लो। भैया इनके मौसा जी कहां है? भाई साहब अपनी मोरी को ले जाओ, ले जाओ। ये ऐसी ही बनी रहे, यही तो पंडोकर सरकार का कमाल है। और ये दरबार में नंबर का इंतजार करो ना करो, मेरा कुछ नहीं ले जाओगे। मैं कोई भगवान नहीं हूं, यदि भगवान नो झुक जाओगे पंडो के सगान नो, तो बगैर पर्चे के भी काम हो जाएगा। हाँ बेटा क्या नाम है आपका? माइक से बोलिए। रोशनी। आज के बाद इस बेटी को कोई दिक्कत नहीं होगी, इसमें मौसा जी 500 रुपए खर्च करने होंगे। सुबह इस बेटी के हाथ से 5 कन्याओं को भोजन करवाएं और 5 कन्याओं को दक्षिणा दिलवाएं और गंगा जल पुष्पावती को संग ले जाएं। इस बेटी को दिक्कत नहीं आएगी, साइकोलॉजिकल मानसिक किसी प्रकार से दिक्कत नहीं आएगी। और उसको पढ़ाई कराओ, इसकी सास की जॉब भी होगी, और पढ़ाई नहीं कराओगे तो नो ही होगी। ओके राइट? ऐसी हो जाती थी ना घर पे? ऐसे मारा थी ना, हम तो यहाँ दिल्ली रहते हैं। चलो कोई बात नहीं, अब चिंता मत करो, दिल्ली रहो कोई बात नहीं, ले जाओ बेटा जाओ, आज से कुछ नहीं हुआ।